गए हम, आखिर हम पकड़े ही गए। कुछ नहीं होगा यार, बस कर दो आज। पहले दिन से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या चाहते हो इससे मजीद, क्या हो? हाँ, चाहते क्या हो आखिर तुम? एहसन ने मेरा ऑफिस आना तो बंद कर दिया है, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हमारे पास अब मजीद टाइम नहीं है वहाज। मैं तो ये कहती हूँ जो जो हमने जमा किया है वो समेटते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शाजमा, टाइम बहुत है, तुम बिला वजह पैनिक में आ गई हो। मैं एहसन के हाथों मजीद रुसवा नहीं हो सकती, वो हमें कोई रायत नहीं देगा, सीधा अरेस्ट करवाएगा। मैं ये सोच रही थी जो वो यूसुफ जई की तरफ से 3 करोड़ रुपए आने हैं, वो बैंक में जमा करने की बजाय हम कहीं और भी तो सेव कर सकते हैं। सोचता हूँ। अरे हाँ, एक आइडिया है। वो क्या? वो तुम्हारा घर था ना जिसमें तुम और आंटी रह रही थी, तुम्हारा आबाई घर, वो खाली है ना? वो रेंट पे है। उसे फौरन से खाली करवाओ। क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ ना, खाली करवाओ। इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ जगह हमारे लिए वही है, वहीं पैसा रखते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी को भनक पड़ गई फिर? अरे नहीं भनक पड़ेगी शाजमा। तुम किसी वकील से क्यों नहीं बात करते? ये किसी आम वकील का काम नहीं है, ये काम नहायत होशियारी से करने वाला है। Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.